हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो जैसे आपने फ़ोन देख लिया मेरे हाथ में, तो दिस वीडियो इज़ अगेन फॉर M30S। और इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन आए थे वाईफाई कॉलिंग को लेकर। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा, जियो एंड जियो वाईफाई एंड एयरटेल वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज ने वाईफाई कॉलिंग को अनेबल कर दिया है काफ़ी जगह पर। दिल्ली, मुंबई, हमारे चंडीगढ़ में भी अभी जैसे मेरे को आईफोन में और दोनों में ऑप्शन मिल रहा है और मैंने उसको ऑन कर लिया है। तो क्या है इसका फ़ायदा और आपको ये ऑन करना चाहिए या नहीं ऑन करना चाहिए, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो के साथ। और जिस जिसके पास M30S है तो प्लीज़ आप लिखें नीचे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ये लेना चाहते हैं फ़ोन। और 2019 का बेस्ट फ़ोन है ये, और हाल ही में अब सेल चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, तो इसमें डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय दिस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द नहीं, इट इज़ द बेस्ट मिड रेंज फ़ोन ऑफ 2019 एंड 20 में अभी तक इसके मुकाबले का फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज ड्रोन टेक डॉक्टर, माई सेल्फ डॉक्टर अंशम लोत्रा। मैं लाता हूँ इस चैनल पर ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड इन एडिशन टू दैट टेक्नोलॉजी, टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एवरीथिंग टेक आई यूज़ आई शेयर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप इससे आपको इंटरेस्ट है गैजेट्स में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाईफाई कॉलिंग क्या है? वाईफाई कॉलिंग एक ब्रॉडबैंड सर्विस है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका ब्रॉडबैंड है, कोई भी ब्रॉडबैंड है, तो उससे आप और आपका एरिया ऐसा है कि जहाँ पर नेटवर्क का इशू है, आपको उसे अंदर घर के अंदर सिग्नल नहीं आता, लेकिन आपके पास वाईफाई ब्रॉडबैंड है, तो वाईफाई कॉलिंग जब अनेबल कर लेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड सुनेगी जब भी आपको कॉल आएगी। तो होगा क्या, वो बेसिकली आपका डाटा, मतलब जो सिग्नल आता है मोबाइल में, एयरटेल, वोडाफोन, इनसे ना कनेक्ट होके आपसे वाईफाई से कनेक्ट होके बातचीत होगी। और इससे इसका फ़ायदा क्या है कि इससे आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनेगी, चाहे आपके घर में सिग्नल आता है या नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे आप रिसीव भी कर सकते हैं, इससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक फीचर है, जब भी आपको ब्रॉडबैंड मिलेगा, मतलब आपका वाईफाई आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो जाएगा, तब ये वाईफाई कॉलिंग अपने आप अनेबल हो जाएगी। और जहाँ पर वाईफाई नहीं है तो वहाँ पर आपका नॉर्मल सिग्नल चलेगा। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कई जगह पर मैंने देखा है सिग्नल नहीं होता, काफ़ी मंजिलें बनाई होती हैं, बेसमेंट में आप बैठे होते हैं तो आप कहते हैं बेसमेंट में सिग्नल नहीं आता। तो अगर आपके बेसमेंट में ब्रॉडबैंड आ रहा है, देन नो प्रॉब्लम, आप कॉलिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको अनेबल कैसे करना है। और इससे पहले एक चीज़ और, एप्पल वाले बता रहे हैं एंड्रॉयड में ये ऑप्शन, पता नहीं मुझे मालूम है बताते हैं या नहीं, क्योंकि एप्पल वाले हमेशा बताते हैं कि प्राइवेसी को कोई इशू होगा कि नहीं। तो प्राइवेसी का ये है कि जब आप कॉलिंग करेंगे तो ब्रॉडबैंड वालों को आपका सारा कॉलिंग का पता लग जाएगा, किस नेटवर्क से किसको आप कॉल कर रहे हैं। तो वो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो यू कैन यूज़ दिस। हम आप दिखाएंगे इसको अनेबल कैसे करना है। तो अनेबल करने के लिए सिंपली आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको देखेगा कनेक्शंस, नंबर वन पे कनेक्शंस, कनेक्शन में जाइए। कनेक्शन में आपको सेकंड नंबर पे मिले दिखेगा वाईफाई कॉलिंग, इसको आप अनेबल कर लें। अरे ये क्या हुआ, वाईफाई कॉलिंग को आप अनेबल कर लें, दैट्स इट, बस यही आपको करना है। इसको जब अनेबल कर लेंगे तो आपका वाईफाई कॉलिंग, अगर आपके यहाँ अनेबल है तो आपका वाईफाई कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मेरे आईफोन में भी वाईफाई कॉलिंग है और इसमें भी वाईफाई कॉलिंग है, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से वाईफाई कॉलिंग हो सकती है। अगर यहाँ पर शुरू हो गया है तो कॉल कनेक्ट हो जाएगी, और इसका एक अलग से फीचर आता है साइड पे जिस पे आपको पता लग जाता है कि यस ये वाईफाई कॉल है। तो लेट्स डू इट। तो फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने कॉल करके ट्राई करने की कोशिश की, हमारे एरिया में चंडीगढ़ में जैसे अभी फ़िलहाल अभी वाईफाई कॉलिंग मतलब एरिया अनेबल नहीं हुआ है, फ़ोन ने अपनी सर्विस दे दी है। तो जिस भाई के पास M30S है मेरे, वो इस तरह से अपना वाईफाई कॉलिंग अनेबल कर लें। जब आपके एरिया में वो आएगा सर्विस तब आप कर पाएंगे। सो देर तीन चीज़ें हैं वाईफाई कॉलिंग को अनेबल करने के लिए। एक तो आपके फ़ोन में होना चाहिए ऑप्शन, तो सैमसंग M30S में वो ऑप्शन आ गया है, एप्पल में भी है, हाई एंड फोन में भी है, मिड रेंज फोन में भी सैमसंग ने दे दिया है। तो नंबर वन आप उसको ऑन कर लें जैसे मैंने आपको बताया। नंबर टू क्या, आपके पास घर में ब्रॉडबैंड होना चाहिए। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो नंबर टू, ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए, ब्रॉडबैंड कोई भी लगवा लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। नंबर थ्री, एयरटेल और जियो जो ये दो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्होंने ही ऑन किया है वाईफाई कॉलिंग, और अगर इन्होंने आपके एरिया को कवर कर लिया है तभी आपके घर में वाईफाई कॉलिंग हो पाएगी। अदरवाइज़ आप इसको ऑन करके रख लें तो जब ये कवर करेंगे आपके घर में, सून पूरे इंडिया में आई थिंक हो जाएगा, तो आपका वाईफाई वगैरह चल पड़ेगा। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेशन में है M30S रिलेशन में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा जैसे अगर डिमांड ज़्यादा आएगी तो। और कौन सा नेक्स्ट मिड रेंज फ़ोन आप देखना चाहेंगे हमारे चैनल के ऊपर,
तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।